आज हम चुराने वाले एक एलियन की कार, जी अगर वो कार इतनी ज्यादा खतरनाक है देख के आप खुद भी चौंक जाओगे, और उसके लिए हमें जो ये गाड़ी जो है ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी, कुर्बान करनी पड़ेगी। और पैराशूट से हम आपको जो सामने शिप दिख रहा है इस बड़ा सा, वहां पर क्रिमिनल्स है, उस शिप के ऊपर जाकर क्रिमिनल से फाइट कर हमें वो गाड़ी चुरानी। अब क्या लगता है गाइस, हम चुरा पाएंगे क्या, हम कामयाब हो पाएंगे? लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें किसी भी हालत में उस शिप के ऊपर लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम शिप के ऊपर लैंड नहीं कर पाए तो समुंदर के अंदर शार्क है बहुत सारी, वो हमको खा जाएंगी। तो हमें किसी भी हालत में शिप के ऊपर लैंड करना पड़ेगा यार, और उसके ऊपर भाई क्रिमिनल्स है जिनके हाथ में बंदूकें हैं। तो भाई अगर उन्होंने मेरे को हवा में ही देख लिया, एक तो मेरा पैराशूट फोड़ देंगे या फिर मेरी खोपड़ी फोड़ देंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं बहुत आराम आराम से उस शिप के ऊपर जो है लैंड करना पड़ेगा। आदिल मेरे भाई थैंक यू फॉलो करने के लिए, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाओ, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा नजदीक आ गया होगा। और यहाँ पर आपको सामने कोई चीज नजर आ रही कीजिए गाइस, यहाँ पर आपको सामने बहुत सारे लोग नजर आ रहे होंगे जो तैनात है शिप के ऊपर, और शिप जो है अभी एक जगह पर खड़ी है, शायद इनका कुछ चल रहा होगा, खाना वाना चल रहा होगा, पता नहीं जो भी चल रहा होगा। लेकिन भाई नीचे देखो, अरे भाई ये तो बहुत सारे यार, मुझे लगा एक दो बंदे होंगे। अरे बेटे आराम से उतरना है, बहुत सही। ओ भाई देखा तो नहीं ना? नहीं, किसी ने नहीं देखा मेरे को, क्योंकि मैं ऊपर से आया हूँ सीधा। अब इसको अगर बंदूक से मारूंगा तो भाई देख लेगा, आवाज आ जाएगी। काम करता होगा, जिसको चाकू से मारता हूँ, ले बेटे तेरी ऐसी की ते। ओ भाई इसमें देख लिया था मेरे को, खत्म गया। ओ भाई मारने लगा है तो, ये ऊपर वाले ने देख लिया मेरे को। अरे बेटे इसको बंदूक से मारना पड़ेगा, क्योंकि चाकू ऊपर जाएगा नहीं, गए तो रुक जा, आराम से मारना है इसको, किसी और का आवाज नहीं आनी चाहिए। गया, ये भी गया, खत्म। ओ भाई नीचे किसी ने देखा नहीं ना शायद? नहीं देखा। फरान वेलकम टू स्ट्रीम मेरे भाई। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाओ। अब यहाँ पर शुरू हो गया युद्ध, क्योंकि भाई दो बंदे तो हमने मार दिए, अब सबको मारना पड़ेगा किसी भी हालत में। और इसने मुझे देख लिया, देखो फायर कर रहा है मेरे ऊपर साले जोकर से मुंह के। बेटे तू गया, यहाँ पर और दो बंदे गाइस, इनको मारना पड़ेगा। ये है कि पीछे वाला भी है, इसको मारता हूँ सबसे पहले। ये देखो ये खत्म। अब भाई गाड़ी जो आपको दिखाने वाला हूँ ना गाइस, वो गाड़ी मिस मत करना। राम शिंदे हेलो ब्रो वेलकम स्ट्रीम। श्रीश कटियार हेलो ब्रो वेलकम स्ट्रीम। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक फॉलो बटन दबाओ। और यहाँ पर अपन आ चुके, ये कौन से नशे में भाई, तेरे पीछे देख ले कौन है, निकालता हूँ चाकू। अभी भाई देख ले, फायर कर रहा है मेरे ऊपर। अरे भाई क्या लगा, इसके गले में चाकू लगा है भाई सीधा, खत्म हो गया ये। वो देखो वो फायर कर रहा है मेरे ऊपर, रुक जा बेटे तेरे को दिखाता हूँ मैं, रुक मेरे ऊपर फायर करेगा, ले बेटे सीधा खोपड़ी खत्म। और यहाँ पर कोई और था, अभी मर गया क्या? नहीं, ये जिंदा है। ये भी गया। और ये इन दोनों का क्या चल रहा भाई, इतना चिपक के क्यों खड़े हैं ये? इनको चाकू से मारूंगा, लेकिन यार मैंने दूर भी बंदा देखा था, इनका ध्यान मेरे पास है क्या? नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे, इनको समझ नहीं आया कि मैं इनको मार रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पीछे जो बंदा था उसको सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि अगर वो पीछे से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ओके यहाँ पर मैंने कैश उठा लिया बंदूक का, लेकिन यार नीचे कोई नहीं है, मुझे दरवाज़ा समझ नहीं आ रहा जाना का। ओ ये बेटे ये देखो, इसको मारना पड़ेगा सबसे पहले हमें, रुक जा, इसको मारना पड़ेगा जरूरी। गाइज यहाँ पर मेरे आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। और ये गया, एक काम करता हूँ गाइज, इनको भी चाकू से मारता हूँ, इनको अगर चाकू से मारूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ओ भाई इतने दूर से नहीं, नजदीक जाके मारना पड़ेगा भाई। कार्तिक डॉन हेलो ब्रो वेलकम स्ट्रीम। हाफिज सलीम वेलकम स्ट्रीम मेरे भाई। स्वीट हर्ट वेलकम स्ट्रीम। ये गए, ये दोनों गए, वो अकेला बचा। अरे बेटे उसने देख लिया मेरे को। ये देखो गाइस यही है वो फ्यूचरिस्टिक कार इस एलियन की, जो हम आज चुराने वाले। लेकिन चुराना इतना ज्यादा आसान नहीं है गाइस, क्योंकि हमें इस शिप को जो है टेक ओवर करना पड़ेगा, मतलब शिप को हमको जो है चुराना पड़ेगा। शिप के ऊपर तो हमने कब्जा कर ही लिया है। अरे ये आवाज़ किस चीज़ की है भाई? बाहर पुलिस आ गई गाइज। अरे नहीं, ये तो गलत सीन हो गया। अरे बेटे बाहर पुलिस आ गई भाई। ओ भाई नहीं, रोहन थैंक यू मेरे भाई फॉलो करने के लिए। कसार आली थैंक यू फॉलो करने के लिए। आकाश कुमार वेलकम स्ट्रीम मेरे भाई। चौधरी थैंक यू फॉलो करने के लिए। ये देखो गाइस पुलिस आ गई है, और भाई साहब सीधे हेलीकॉप्टर्स लेके आ रही है, मेरे ऊपर फायर कर रही है। इस गन से इनको मारना मुश्किल लग रहा है मुझे, ये देखो ना, इससे नहीं मर पाएंगे। मुझे कोई और गन निकालनी पड़ेगी, और कोई और के नाम पे हम निकालने वाले हैं सीधी लेज़र गन। बहुत तगड़ी होती है गाइस, बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। लेज़र गन से मारूंगा इनको, क्योंकि इसके अलावा ये सुधरने वाले नहीं है। रुक जाओ अब देखो कैसे मारेंगे। शिवम कुमार हाय ब्रो वेलकम स्ट्रीम। ये गया, ये एक हेलीकॉप्टर गया, आई होप सो कि अब वापस कोई ना आए। और ये देखो गाइस ये लेज़र गन जो भाई मरे हुए आदमी की आत्मा हिला देती है, इतनी खतरनाक है गन।
तो इस गन से पंगा नहीं लेने का भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो अब मुझे कोई भी पुलिस का हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ सीधे जाके वो जो फ्यूचरिस्टिक कार है ना उसको चलाता हूँ, या फिर मुझे शिप को लेके जाना पड़ेगा कहीं और, तब जाके अपना काम बनेगा। रुक जाओ रुक जाओ। अबे भाई ये लॉक है गाइस, इसके ऊपर फायर कर दिया था ना उसने। अरे यार वो भाई उस क्रिमिनल ने इस गाड़ी के ऊपर फायर किया था गाइस, जब मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा था। इसका लॉक खुलेगा अगले 2 मिनट के अंदर, अपने आप खुल जाएगा, तो 2 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक मैं क्या करने वाला हूँ, तब तक मैं चलाने वाला हूँ इस शिप को। ये देखो गाइस भाई क्या खतरनाक शिप है यार। ओ बेटे ये देखो फायर भी कर सकती है ये, और ये देखो निकल रही है, आगे निकल रही है, चल रही चल रही, बहुत सही चल रही है। तो अरे बेटे अब पुलिस आए चाहे जो आए, हमारा घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये अरे गाड़ी बाहर आ गई, ओ भाई गाड़ी बाहर, अच्छा इसलिए इन्होंने शिप रोक के रखी थी गाइज। वो जो फ्यूचरिस्टिक कार है वो बाहर आ गई, और वो जो कमरे के अंदर थी ना वो वहाँ से बाहर आ गई। देखो सामने से बोर्ड जा रही छोटी सी, उसको मारने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ नहीं नहीं मर रहा हूँ, नहीं मर रहा। वो गाड़ी बाहर आ गई, मुझे लग रहा है कि मुझे जाके देखना देखना चाहिए कि मैं उसको ड्राइव कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है अभी भाई, 50 सेकंड में तो हम उसको चला पाएंगे फ्यूचरिस्टिक कार को। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। अब एक काम करता हूँ मैं ड्राइविंग सीट से हट जाता हूँ शिप के। भाई शिप तो नीचे जाने वाली थी अभी, भाई बहुत हिलने लगी है। देखो गाड़ी यहाँ से निकल के आगे चले गई, पूरी शिप हिला दी थी मैंने क्योंकि मैं बहुत गलत तरीके से चला रहा था। विजय सिंह थैंक यू फॉलो करने के लिए, मीना जी किंग थैंक यू फॉलो करने के लिए, मजुलम मिया थैंक यू फॉलो करने के लिए। और गाइस यहाँ पर अभी भी मैं बैठ नहीं पा रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वापस चले गए वो, मतलब मेरे पास नहीं आए। देख रहे हो यहाँ पे अभी हमें दिखा था, लेकिन वो उधर के उधर ही चला गया। इसको चलाना यार मेरे को, अभी भी 30 सेकंड दिखा रहा है, शायद 30 सेकंड बचे गए, अगले 30 सेकंड में मैं इसको चला पाएंगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। यार इसका दरवाज़ा किधर से, ये भी मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसी कैसी गाड़ी है ये, चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई यार पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 20 सेकंड दिखा रहा है गाइस, अगले 20 सेकंड में अपन इसको चला पाएंगे। लेट्स सी 20 सेकंड में क्या होता है। धनी ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम, इनोसेंट ब्रो थैंक यू मेरे भाई फॉलो करने के लिए, देवाश सिंह हाय ब्रो वेलकम स्ट्रीम, श्रीश कटियार हाय ब्रो वेलकम स्ट्रीम। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी लाइक और फॉलो बटन दबाओ। फरहान ब्रो वेलकम स्ट्रीम, 49 लाइक हो गए गाइस, जल्दी जल्दी 100 लाइक कंप्लीट करवाओ हर बार की तरह। ठीक है कल भी करवा दिए थे आपने तो आज भी करवा दो जल्दी जल्दी चलो। और 6 लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, कृष्णा थैंक यू मेरे भाई फॉलो करने के लिए, कृष्ण कृष्ण मेरे भाई थैंक यू फॉलो करने के लिए, आदिल मलिक क्या हाल है, एकदम बढ़िया है, आप बताओ क्या हाल है। विजय हाय ब्रो, विजय ब्रो वेलकम स्ट्रीम। और गाइज यहाँ पर जो है मुझे अब दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि इसका जो व्हीकल का जो टाइमर है वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी ये गाड़ी के अंदर बैठ क्यों नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब तो डोर जो इसका अनलॉक नहीं हो रहा है, लॉक है अभी भी, देख रहे हो कि वो भी क्या गंदी तरीके से हिल रही है शिप। भाई बैठ जा भाई, किधर से बैठे को, जिधर से बैठने तो बैठ जा, लेकिन बस बैठ। वो भी बैठ रहा बैठ रहा शायद, अरे ऊपर क्यों चढ़ रहा, ऊपर से खुलेगा क्या दरवाज़ा। वो बैठे, वो चला गया अंदर चला गया गाइज। वो भाई ये क्या हुआ, अरे नहीं ओ भाई साहब, अबे ये क्या खतरनाक चीज है। अरे बेटे नहीं 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 नहीं, पानी के अंदर नहीं जाना, पानी के अंदर नहीं जाना। अरे भाई पानी के अंदर भी चल रही है तो, ओ भाई अबे क्या सही चीज है यार, इसको बाहर लेके चलता हूँ जल्दी से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अबे भाई ये देखो ये देखो, अबे क्या खतरनाक तरीके से चलती है यार ये तो, इसमें कोई पहिया भी नहीं है, इंजन भी नहीं है, तो चल कैसे रही, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई। और मैंने ये सुना है कि सिर्फ और सिर्फ एलियंस ही इसको चला पाते हैं, कोई नॉर्मल इंसान इसको चला नहीं पाता है, क्योंकि देखा था आपने डोर बहुत गंदे तरीके से लॉक था, अनलॉक नहीं हो पा रहा था। और अरे भाई फूट गई क्या, अरे नहीं फूटी। अबे भाई इतना बड़ा खंभा तोड़ दिया भाई इसने, लेकिन ये नहीं फूटी। और रोड के ऊपर चलने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरे को लग रहा है ना ये हवा में उड़ने के लिए बनी है, देखो इतने अच्छे से रोड पर नहीं चल रही है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना मिशन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, जितने भी लोग देख रहे हैं आपको पिन कमेंट में इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। अपन मिलेंगे अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय और लव यू ऑल।